अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। वीडियो की शुरुआत रंग बिरंगे कोलियस के साथ। देखिए, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसको हम कहते हैं भीषण गर्मी। तो इस गर्मी में प्लांट की क्या हालत हो रही है, जबकि ऊपर देखिए ये हमारा जो टीन शेड पड़ा हुआ है, तो इसको इसने यहाँ से यहाँ तक इसको कवर किया हुआ इस पोर्शन तक के। लेकिन जब इस पोर्शन से धूप इस तरफ को आती है, इस तरफ से होते हुए, तो सीधे सारे प्लांट पे पड़ती है। लेकिन तकरीबन हाफ डे इधर बहुत सुकून रहता है, लेकिन उसके बावजूद देखिए सब बेचारे झुलस रहे हैं, इनकी हालत खस्ता हो रही है। लेकिन बस सवाल ये है कि इस टाइम क्या कोई कटिंग लगाई जाए या क्या प्लांट के साथ किया जाए, बस इनको किसी ना किसी तरह से इनकी जान बचाई जाए, और बस थोड़ा सा इनको वार्म्थ तो नहीं कहूँगी, कूल, थोड़ा सा अच्छा सा इनको ऐसा टेम्परेचर देने की कोशिश की जाए जहाँ मतलब ये अच्छे से सर्वाइव करते रहें। तो सर्वाइव करते मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई उठा के अपने रूम के अंदर रख लेगा, लेकिन अब जैसे किसी के पास बड़े प्लांट लगे हुए, जैसे हमारा वो देखिए थोड़ा सा अरेका पाम है, उसके जस्ट पीछे शहतूत का प्लांट लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, तो वहाँ पे उठा के ऐसे कोई बड़े दरख्त हों, बड़े प्लांट हों, उनके साय में अपने छोटे प्लांट को। देखिए ये सब काम वो कर सकता है जिसके पास इक्का दुक्का प्लांट होंगे। हम जैसे गार्डनर के पास जिनके पास प्लांट्स की भरमार है, कोई गिनती नहीं है कि कितने ज़्यादा प्लांट हैं, तो हम लोग ये सब काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ काम ऐसे हैं जिनको करके हम अपने प्लांट को बचा सकते हैं। मसलन इनको झुंड में रखा जाए, ग्रुप्स में रखा जाए, या जहाँ ये प्लांट रखे हैं तो वहाँ पर उन प्लांट्स के साथ हमको क्या करना है कि एक बड़े टब में पानी भर के रख देना है, तो उनसे भी वो मॉइस्चर लेते रहते हैं, और पानी तो सुबह शाम देना नहीं, सुबह शाम तो दिन में एक बार, तो हर हालत में अपने प्लांट्स को हमें पानी देना ही देना है। जो गर्मी पड़ रही है, इतनी भीषण गर्मी, ये देखिए मैंने कटिंग लगाई थी, और ये देखिए इतनी हैवी, ये इतने बड़े बड़े प्लांट हो चुके हैं। बस यूँ ही कटिंग रैंडम लगा दी थी और इतनी अच्छी से चल गई हैं। ये तो एक डब्बा है कैंडी का, और ये पानी की बोतल है। तो ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है, इसको आप ज़रूर लगाएं। और देखिए काम तो रुकते कोई नहीं है। मैं पिछली बार लखनऊ गई थी, जैसा कि बताया था, अपने आप को दिखाने गई थी, तो फिर मैं वहाँ से एक के घर से ये ले आई थी, क्या कहते हैं, चंपा की कटिंग। तो मैंने यूँ ही डाल दिया था थोड़ा सा, लेकिन अब ये चीज़ आप देख रहे होंगे, ये प्लांट जब मैं ले ही के आई थी तभी ये ऐसा लगता था इसके अंदर बिल्कुल, क्या कहते हैं, खाली है, जैसे पोल है उस टाइप का। लेकिन अब मैं इसको, ये देखिए इसकी कटिंग यहाँ से लगे पड़े पड़े ऐसे ख़राब हो गई, सूख गई हैं। मैं इनको कट करूँगी, और कट करके फिर इनको मिट्टी में दबा दूँगी। इसमें रेड कलर वाले फ्लावर आते हैं, देखिए अगर चलना होगा तो चलेंगे, नहीं चलना होगा तो कोई बात ही नहीं है। मैं इसको यहाँ से कट कर लूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। मुझे लग रहा था एकदम सूख चुकी हैं, और जो नीचे की इनकी टहनियाँ थी एकदम काली काली हो रही थी, तो मैंने कहा इनको नहीं लगाती हूँ, ये देखिए। और इसको मैंने अभी कट किया, तो इसमें से अभी भी एक स्टिकी सब कुछ निकलता है, दूध जैसा। तो लेकिन अब इनको मैं अब नहीं डालूँगी, ये इंतज़ार नहीं करूँगी कि इनका दूध सूख जाए या कुछ हो, क्योंकि टहनियाँ भी साथ के साथ बेशुमार सूख चुकी हैं, तो फिर लकड़ी ही बन हो जाएंगे, तो इनमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं इसमें थोड़ा सा होल करके अब बस सिंपल घुसा दूंगी। मुझे लगता है शायद ही किसी प्लांट की कटिंग लगाना इतना आसान है जितना कि ये चंपा। देखिए लगा दिया, अब इस पर पानी दे दूंगी। और देखिए इधर हमारी वीडियोस आपको कंटिन्यूस नहीं मिल रही, कल जो है कंडोलेंस हो गई थी, जैसा कि बताया हमारी भतीजी का इंतकाल हो गया था, हमारी भतीजी मतलब हमारे कज़िन ब्रदर हैं, उनकी बेटी का इंतकाल हो गया था। तो कल हम लोग लखनऊ गए थे उनके घर की तरफ, एक ही घर में ये मॉन्स्टेरा जो होता है, ये बड़ा वाला
बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट जिसके कटे हुए पत्ते होते हैं, तो मैं ये दे के आई थी। तो अगर मैं इस तरह से लगा दूँगी, इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके लगा दूँगी तो भी प्लांट बनेंगे, और थोड़ा मैं दूसरे सिस्टम से लगाऊंगी तो भी इसके प्लांट तैयार हो जाएंगे, फिर कई एक प्लांट तैयार हो जाएंगे। मैं इनको काट के फिर दिखाती हूँ। देखिए, उस एक जड़ को मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। ये देखिए, ये चार पार्ट्स हैं, और मैं अब दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से मैं इनको लगाऊंगी। देखिए, एक हमारी बोरी है चावल वाली, इसमें नीचे कंपोस्टिंग हो रही है और ऊपर ये सब मिट्टी पड़ी हुई है। तो अब बस करना क्या है, सिंपली इस तरह से कोई भी पोर्शन इसका इस तरह से दबा देंगे आप, इस तरह से रख के ऐसे। अब इधर देखिए, रूट्स साफ साफ नज़र आ रही हैं, तो ये रूट्स वाला हिस्सा में, हालांकि कोई भी पोर्शन दबाया जाएगा जैसा कि मैं बता रही हूँ, उधर से नए नए रूट्स आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, और बस कुछ नहीं करना, सिंपल इसके ऊपर मिट्टी डाल देना, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है मिट्टी में, बस थोड़ी बहुत मिट्टी में डाल देनी है इस तरह से। अब इसमें पानी नहीं, कुछ नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी मॉइस्ट मिट्टी है, सुबह मैंने मोटरिंग करी, सब तरफ पानी ही पानी है, कुछ नहीं करना है इसको। बस इसको मैं थोड़ा वैसे ही लगा दूँगी, खड़े खड़े ही, तो होल्ड किया उंगली से, और बस इस तरह से इंशाल्लाह इसमें एक हफ्ते के अंदर ही स्प्राउटिंग होगी और रूटिंग होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, इसमें भी पानी देना है, डालो, भर दो, पूरा भर दो, उसमें तो कुछ लगाया भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। हटो तो बस आप भी इसी तरह कहीं भी कटिंग आपको मिले, कटिंग ला के लगाते रहिए। देखिए ड्रेनेज कितना अच्छा है, इतना अच्छा है कि वो टेढ़े हो गए। कोई बात नहीं, मैं इसमें उंगली ऐसे घुसा के इस तरह से, देखिए कटिंग से क्या होता है, कटिंग लगाने से हमारे प्लांट्स फ्री में रेडी हो जाते हैं। बहुत सारे प्लांट जो कटिंग इनकी रैंडमली जिनके टूट जाती हैं प्लांट्स की टहनियाँ, मैं उन सबको ऐसे कहीं ना कहीं घुसा देती हूँ और एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। और मैं अभी इस बात का रिज़ल्ट भी आपको दिखाती हूँ। कटिंग टूट गई कहीं ना कहीं किसी टहनी की, प्लांट की कटिंग नहीं, टहनी सॉरी, और उसको बस मैंने यूं ही लगा दिया। इसमें नाम की मिट्टी थी, और देखिए कितने अच्छे से इसमें स्प्राउटिंग हुई, और रूटिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इसमें इतनी अच्छी सी रूटिंग हो रही, लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा बारिश का इंतज़ार है, बारिशें हों फिर मैं इन सबको रिपोर्ट कर दूँगी। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सुबह पानी मैंने डाला था, और कंडीशन क्या हो रही, सारे पत्ते झुक से गए हैं, तो इतनी शिद्दत की गर्मी हो रही है। बस इनमें अपने प्लांट्स की देखभाल करते रहिए, कटिंग्स लगाते रहिए जो आप ग्रो कर सकते हैं इजीली, तो फ्री के प्लांट बनाते रहिए। वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।